करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका कि आप इस मंच पे आए हुए हैं। बिना तार वाला माइक जाएगी, तार वाला चालू तो ना हो, चालू अभी कभी चालू करवा दे। ऐसा ना कि भैया तरवा उधर तो माइक्रोफोन वाला में लग जाता तो ठीक है। बस बस बस, अरे भैया लग जाता मोवा सका के बोले। हेलो, आप लोग जोरदार स्वागत करेंगे इनका, अपने मुखाशन से कबड्डी करने जा रहे हैं। नमस्कार भैया लोग, सब जानी नमस्कार। आप लोग जा रहे थे कि हर साल आप लोग के वो कहानी जरूर सुनाएगा, तो पार्ट थ्री मतलब तीन चौहान जी का कहानी फिर आप लोग के सामने पेश होने जा रही है। बहुत जना सुने लगे तो लगे जब चले जाए तब आगे अकेला। भैया ये हमको शिकायत मिल रही कि आगे अकेला, तो भैया जब जब आगे होगी ना तो लग जा अब अग्नि शुरू फदल पानी भैया जब का कर देगा। एक दिन के बाद भैया की फारम पर चार जानी ताश खेलत रहलो। भैया हमर समझ में कहाँ चढ़ेला है, कहाँ चढ़ल बा आगे अकेला। अरे भैया अगिया लगल रहे मैया में जानत ना हो जाए तुम लोग। हम तो भैया ना जानते, तू पहले कहला कि हम चढ़ी, लोग कहला कि तो चढ़ल तो आगे अकेला, तो कहाँ चढ़ला कि तू आगे अकेला। भैया सब धरती पर आगेला तो वे भागेला, भैया गोरु सब देखते हुए कहा गया लेकिन तू आगे अकेला। भैया इस स्टेजवा पर जब जब आए ना तब हम आगे अकेला गए ना। तो चौहान जी की कहानी, भैया मुर्गी फार्म पर लोग ताश खेलत रहे लोग, तो रहे लोग के चौहान जी रहना है आई बहनिया से क्या वाला एगो बाबू साहब। हाँ आ एक जानी तो बच्चन बच्चन बका आ एक जानी भी अलग के उस सेठ जी ये कहाला बहनिये हो दुकान का कारण का चप्पल जूता का साहब क्यों हो ये आदमी। हाँ भैया मऊ से आवत रहनी दो मिनट खड़ा हो गई ली कहानी की दुकान सुन ले भाई। हाँ आवत रही भैया लोग तो ऐसन भैया की कहत एने से जनावे ना बाबू साहेब कहत कि ए गुनावा अरे मर्द ही पहले बताओ ताश तो बहुत खेलनी जा। अरे मर्द भाई बताओ मेहरारून का लड़का होला तो जान ले कैसे होला। तो कहलक कि हाँ वो हम तो जाने थे, तो कहलक छोड़ ना तसवा चल यही के बताएं जे कैसे होला कहीं बताओ ना। तो कहलक कैसा ना कि पहले बच्चन बताओ कि कैसे का लड़का होला देखले होला कि नहीं केहू देखले बा लड़का वो देखले बड़े तो लो तनि हाथ डाल तन का के होखले बात देखा दे जा होखत के देखले तो बता दे भैया तो उ देखले हो तो बतावत रह कहलक कैसे ठीक हो बतावत तो कहत हो के अरे कथा। अरे माई रे माई अरे दादा दादाई का एक कैली सुन कमावा रे माई बस तो सुन एमे का कथा हमारा सेठ जी का कथा तकबूर मत तू ना ही का कर दो रे जैसे लगा तो कि साला बिलार बच्चा दे दिया। तो कहलक तू ही बताइबे कहलक तन तू बता तब सेठ जी का बारी आयल भैया वो बता उसे तो कहत हम अरे नाई हो नाई अरे का तो दादा सुने भैया तो बात समझे रहा ये पता हम खड़ा है वही जो आका भाई थी कस्तल घुराऊ का कहता तब पूर्वक घुराई का कहता है जैसे लगत कि ससुर तो कथा नहीं ली दई लेगा। अब घुरहो का नंबर आई इहो कहला के ठीक है भैया ठीक है कहता हूँ। अरे दादा दादा
अरे कैसे कहने की ना कही काज भैला दादा बड़ी तो दर्द दिवाल माई जाना चल जाई तस्वीर सिंह कहो तुम पगपुर भक्त ना ये क्या कर दो रे जैसे लगा था कि भवंश भी आती है सोचो कि नहीं तो कहे करे मर दे तब तू ही बताओ ना भाई चौहान जैसे कहो कर लो आपकी बाबू सा कर लेते तू ही बताओ ना तो कह ला कि का करी भैया हम का बताई हम तो बहन तक दुआरे ना देख ले आई कहला कि अरे कुछ हो कुछ बतौले की आधार पर कुछ बताई बे तो कहला कि अच्छे रुको हो उसको के बतावा कहीं अरे भैया देखो कैसन हो का बोल हो तू के शांति से का बोल के अब भाई बाबू साहब बतावे लगन तो का कहत हो ना ई तो निस्टाइल है भैया चवान गलत ई का करता हो ए बाबू साहब कहला कि भैया याद तक देखली ना आवत रहे देखो चेर भी याद रहे भाई के देखने भैया नमस्कार चलते हैं।